आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। भाजपा के सदर विधानसभा के प्रत्याशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1,65,099 वोट पाकर सपा प्रत्याशी को 1,03,390 वोट से किया पराजित। कड़ी सुरक्षा के बीच गोरखपुर विश्वविद्यालय में विधानसभा चुनाव का मतगणना सकुशल हुआ संपन्न। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना में अपना योगदान देने वाले सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को दिया धन्यवाद। जनपद की सभी 9 विधानसभा की सीटों का भाजपा की झोली में आने पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मनाई जीत की खुशी। कहा, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास पर जनता ने लगाई मुहर। भाजपा के कैंपियरगंज विधानसभा के प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह ने 1,22,032 वोट पाकर 7वीं बार किया जीत हासिल। सपा प्रत्याशी काजल निषाद को 79,376 वोट पाकर करना पड़ा हार का सामना। कहा, यह कैंपियरगंज की जनता, मुख्यमंत्री योगी व प्रधानमंत्री मोदी की है जीत। भाजपा के खजनी विधानसभा के प्रत्याशी श्री राम चौहान ने 90,210 वोट पाकर किया जीत हासिल। सपा प्रत्याशी रूपावती बेलदार को 53,109 वोट पाकर करना पड़ा हार का सामना। कहा, खजनी का विकास करना ही होगी उनकी पहली प्राथमिकता। भाजपा के चौरी चौरा विधानसभा के प्रत्याशी इंजीनियर सरवन कुमार निषाद ने 92,858 वोट पाकर किया जीत हासिल, जबकि सपा प्रत्याशी को 50,831 वोट पाकर करना पड़ा हार का सामना। कहा, चौरी चौरा का विकास करना ही होगी पहली प्राथमिकता। भाजपा के ग्रामीण विधानसभा के प्रत्याशी विपिन सिंह ने 1,26,376 वोट पाकर दूसरी बार किया जीत हासिल। सपा प्रत्याशी विजय बहादुर यादव को 24,070 वोट से किया पराजित। कहा, यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व ग्रामीण विधानसभा की जनता की है जीत। भाजपा के पिपराइच विधानसभा के प्रत्याशी महेंद्र पाल सिंह ने 1,41,780 वोट पाकर किया दूसरी बार जीत हासिल। सपा प्रत्याशी अमरेंद्र निषाद को 76,423 वोट पाकर करना पड़ा हार का सामना। पिपराइच की जनता को दिया होली की शुभकामनाएं। भाजपा के सहजनवा विधानसभा के प्रत्याशी प्रदीप शुक्ला ने 1,05,320 वोट पाकर किया जीत हासिल। सपा प्रत्याशी यशपाल सिंह रावत को 62,177 वोट पाकर करना पड़ा हार का सामना। कहा, भाजपा का एजेंडा है विकास करना, किया जाएगा विकास। भाजपा के बांसगांव विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर विमलेश पासवान ने दूसरी बार 87,224 वोट पाकर किया जीत हासिल। सपा प्रत्याशी डॉक्टर संजय कुमार को 54,915 वोट पाकर करना पड़ा हार का सामना। कहा, पिछले कार्यकाल में जो कार्य छूटे थे उसको किया जाएगा पूरा। और गोरखनाथ मंदिर परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर दी गई जीत की बधाई। कहा, यह 24 करोड़ जनता की विश्वास की है जीत।